हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में दिल्ली डीडीए ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपके जो अभी हाल ही में करंट में फॉर्म आए हुए हैं, मैं आपको उन्हें सबसे पहले दे रहा हूँ, ठीक है? तो गाइस, मैं आपका जैसे मना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना गूगल ऑन कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर कुछ फिलअप करना है, सरकारी रिजल्ट, ठीक है? तो गाइस, सरकारी रिजल्ट मैंने फिलअप कर दिया है यहाँ पे, तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो गाइज, जब सर्च पे क्लिक कर लेते हैं आप, तो फ्रेंड नीचे आइए। तो गाइज, आप देखिए, तो जो आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हो सरकारी रिजल्ट, आपको इस यहाँ पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो गाइज देखिए, जो आप ये साइट देख रहे हो, गाइज एक ऑफिशियल साइट है। अभी आप इस साइट पे आके अपने ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो गाइज नीचे आइए। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जॉब्स दिल्ली डीडीए वेरियस पोस्ट है। गाइस, जो आपके फॉर्म है ऑनलाइन अभी आए हैं, ठीक है? सबसे पहले न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। और हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, दिल्ली डीडीए वेरियस पोस्ट, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अगर हम नेम ऑफ पोस्ट की बात करें, आपकी जो ये वैकेंसीज आई हैं, यहाँ पे देखिए शॉर्ट में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए हैज रिसेंटली इनवाइट टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। गाइस, जो भी ये संस्था है, इसमें आपकी वैकेंसी दी गई है। अगर मैं आपकी एप्लीकेशन फीस की बात करूँ, इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फीस है 0 रुपीज है, मतलब कि इसमें कोई फीस नहीं है, आप इस फॉर्म को फ्री में फिलअप कर सकते हो, ठीक है? अगर आपकी इसमें ऑनलाइन डेट की बात करूँ, आपकी फॉर्म स्टार्ट कब से होंगे, गाइस जब देखिए 1 अप्रैल से आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे, और जबकि लास्ट डेट रहेगी इसमें 30 अप्रैल की रहेगी, ओके? और यहाँ पे देखिए गाइज, अगर आप फीस पे लास्ट डेट, तो अभी फीस अभी कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है? और गाइज नीचे देखिए, इसमें अगर आपकी मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूँ, आप इसमें वैकेंसी देख लीजिए, 629 आपकी टोटल वैकेंसी है, 629 टोटल आपकी वैकेंसीज है इसमें। और फ्रेंड्स, इसमें पोस्ट की बात करूँ, यहाँ पे देखिए जनरल सिक्योरिटी असिस्टेंट की आप इसमें पोस्ट है 292, और आपकी इसमें एज लिमिट है 18 से 27 साल की आपकी एज होनी चाहिए इसमें। और इसमें आपकी प्लस टू पास आपके पास होनी चाहिए, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में होने चाहिए, ओके? और जो आप ये वैकेंसीज आप देख लीजिएगा, इसमें आपकी माली की वैकेंसीज है, पटवारी की वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की वैकेंसीज हैं, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसीज आपको इसमें मिलेगी, आराम से देख लीजिएगा। और मैं आपको मतलब रेफर करूंगा कि आप जो फर्स्ट वैकेंसीज, आप इसको फॉर्म फिलअप करें, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप ये फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट वाला फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा, इसमें आपके बहुत चांसेस, इसमें आपकी वैकेंसीज काफी दी गई हैं। और अगर आपके पास अगर आपकी टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जो नीचा फॉर्म देख रहे हैं, आप इसको भर सकते हो, माली वाला भर सकते हो, पटवारी वाला आप भर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेड है आप में क्या क्वालिफिकेशन है, ओके? आप किसके लिए रेफर करते हो, तो आप देख लीजिएगा आराम से। तो यहाँ पे देखिए गाइज, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर, लिंक एक्टिवेट ऑन 1/4/2020। गाइज, 1 अप्रैल से आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ओके? तो गाइज, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाता रहता हूँ, जो आपके लिए काफी बेहतरीन एंड हेल्पफुल होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट लगता है वीडियोस में, तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। आपको कुछ भी पूछना हो मुझसे इस फॉर्म्स के बारे में, फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, भेजिए। ओके, एंड थैंक यू सो मच।